Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel, welcome back to the another beautiful day and Eid Mubarak to all. पाकिस्तान में आज ईद हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह और हम लोगों ने नमाज़ अदा कर ली है और अब हमारी कुर्बानी का जो सिलसिला है वो स्टार्ट होने लगा है और मैं इस वक्त अपनी टेरेस पे खड़ी हूँ और यहाँ पर नेबर्स ने अपनी गाय जो है वो ज़िबा करना शुरू कर दी है। अल्लाह उनको उनकी कुर्बानी कबूल करे और हमारी कुर्बानी भी कबूल करे। हमारे सामने जो है नेबर्स उनकी भी कुर्बानी जो है वो आ चुकी है, वो लोग भी स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पर हम सब पहले हम लोग अपनी दादों की तरफ जाएंगे, उनसे ईद मिलेंगे और उसके बाद हमारे घर पे कुर्बानी होगी। जानवर को ज़िबा करने से पहले उसे पानी पिलाना उसका हक होता है, तो इसको जो है ना पानी पिला रहे हैं। एक बकरा जो है कुर्बान हो चुका है, दो जो हैं एक दुम्बा और एक वो बकरा रह गए हैं, लेकिन अभी इनकी काओ जो है पहले ये हो जाए उसके बाद हम इंशाल्लाह ये दोनों भी करेंगे। अब ये चारों कैमल्स जो है ना घबरा गए हैं क्योंकि इनके सामने कुर्बानी हुई है। तो जी अभी यहाँ पर दूसरे कैमल की कुर्बानी होने जा रही है और हम इसको अपनी फर्स्ट फ्लोर से देख रहे हैं, अल्लाह ताला इसको कबूल करे। भाई सब जब यहाँ हमारे यहाँ कैमल की कुर्बानी होती है तो बहुत सारे लोग जो है ना यहाँ पे उसकी कुर्बानी देखने आते हैं और ये रश तुम लोग देख सकते हो इस तरह से होता है। और अभी ये सुकून से जो है ना, सुकून से तो खैर नहीं लेकिन ये अभी बैठा हुआ है, इसे कोई बांधा बांधा नहीं हुआ लेकिन अभी ये बैठा हुआ है। दो ऊँट की कुर्बानी हो चुकी है, बाकी के दो बच गए हैं और ये फुल घबराए हुए हैं बेचारे, हो जाएंगे रात तक रिलैक्स। ये दोनों इसीलिए साथ साथ जुड़ के खड़े हैं क्योंकि ये बहुत डरे हुए हैं। इस वक्त मैं अपनी विंडो में बैठी हूँ, इन्हें देख रही हूँ, ये फुल डरे हुए हैं और ये देखें वो वाला तो अपनी नकेल पीछे खींच रहा है ताकि वो भाग सके और ये वाला इसको स्वेटिंग हो रही है और इनकी आँखें चेक करें आप किस कदर जो है ना भरी हुई आँखें। बकरे का गोश्त बन चुका है, बाकी थोड़ा बहुत जो रह गया वो बन रहा है और अभी इस गांजे भी आ चुके हैं और ये देखिए कैसे गौर से कैमल्स को देख रहा है। सो जी रात के मेन्यू में थी कलेजी और बकरे का गोश्त, तो हमने तो वो नहीं खाया और उन बकरों उन गायों का गोश्त था जो हमारे सामने सुबह ज़िबा हुए थे, तो वो खाने का तो बिल्कुल दिल नहीं था, इसलिए हम पहुँच कर बेकरी और बेकरी से भी हमें कुछ ख़ास ना मिला तो हमने डोनट्स ख़रीद लिए और फिर उसके बाद हम चले गए ड्रिंक पीने के लिए। और उसके बाद बहुत ज़्यादा जलील होने के बाद हमें जाके मिला है ये तवापी। कैमल ने अपनी रस्सी तोड़ दी है, चलो वो सुबह से ट्राई कर रहा था इस चीज़ को लेकिन इसने फाइनली अपनी रस्सी तोड़ा ली और ये समीर ने पकड़ ली। पीछे पीछे के पाओ के नीचे आई हुई है ये, इससे पहले कि कोई बाइट्स आया उसका नुकसान हो और ये भागता। अभी सुबह फजर का टाइम हो रहा है और इनकी आखिरी रात जो है वो गुजर चुकी है, अभी 8-9 बजे तक जो है कसाई आ जाएंगे फिर हम इनकी कुर्बानी करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको अपनी बारगाह में कबूल करे। और माशाल्लाह बड़े प्यारे जानवर हैं ये और हाँ बिल्कुल बड़ी कुर्बानी संभालना कोई आसान काम नहीं होता और जितनी गर्मी पाकिस्तान में पड़ रही है तो फौरन ही हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग आते रहें और उनको हम गोश्त देते रहें और रिलेटिव्स की तरफ जो है वो भी पहुंच जाए टाइम से। और मुझे इनकी आंखों में पता नहीं क्यों इतने आंसू महसूस हो रहे हैं, आंखें देखें इनकी चमक रही हैं। मैं इनकी आंखें आपको ज़रा थोड़ा करीब से दिखाती हूँ और ये देखें ऐसा लग रहा है जैसे ये रो रहे हैं और ये थोड़ा सा सैड है, सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं थोड़ा क्योंकि इनके सामने कुर्बानी हो गई है, इस वजह से भी हो सकता है। लेकिन मैं इतने सालों से देख रही हूँ
इसी तरह इनकी आंखें जो हैं चमक रही होती हैं। आई गेस इनको पता चल जाता है कि इन्होंने अगले दिन कुर्बान होना। और एक ये है जिसको बिल्कुल भी नींद नहीं आती, हर वक्त जानवरों के पीछे घूम रहा होता है। अच्छा तुम्हें नहीं लग रहा इनके रो रहे हैं? ये देखो जरा इनकी आंखें चमक रही हैं, आंखें चमक रही हैं, है ना। चलें जी अब इस वाले कैमल को कुर्बान गाह पे लेके जा रहे हैं। 7:30 का टाइम है और ये वाला कैमल रह गया। अब ये ऑलरेडी इसकी नकेल ढीली है और ये अपनी नकेल तोड़वाने की मजीद कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा घबरा गया इसलिए अब इसे गोल गोल घूमना शुरू हो गया। भाई आज है ईद का सेकेंड डे और सुबह के 7 बज रहे हैं और माशाल्लाह से हमारे थर्ड वाले कैमल की जो कुर्बानी है ना वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। ये देखो अब ये कैसे देख रहा है, सहम गया। ये सबसे पहले आया था ये और ये सबसे लास्ट पे अब कुर्बान होगा इंशाल्लाह। मुझे देख रहा है, डर गया। उसके पास से भी कोई गुजर रहा ना तो वो डर रहा है। नकेल इन्होंने दोबारा से सेट की है लेकिन अभी भी इसकी कोशिश यही है कि तोड़वा ले और भाग जाए। मैं इनको कह रही इनका इसका मुंह जो है ना मेरी साइड पर करो, मुझे इसका पिक्चर लेनी है, पीछे ना पड़ा देना। बस 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 तुम जाओ मैं खुद ही ले लेती हूँ पिक्चर। इस पूरी स्ट्रीट में जो है ना अभी एक ही कैमल रह गया और ये भी कुछ देर में ज़िबा हो जाएगा और यहाँ की रौनकें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर फिर से यहाँ पर कैमल्स की रौनकें होंगी और अल्लाह ताला सब की कुर्बानियाँ कबूल करे। एंड ऑफ कोर्स हम इन्हें बहुत मिस करते हैं बाद में। ये सब लोग जो है ना ये गोश्त लेने आए हैं कैमल का, क्योंकि कैमल का गोश्त जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद होता है और बहुत ज़्यादा शफा वाला होता है। तो जो बीमार लोग होते हैं ना उनके लिए बहुत अच्छा होता है ये, स्पेशली उसकी हड्डियाँ और गोश्त जो है उसका लोग कीमा करवा के खाते हैं। अभी मैं ऊपर टेरेस पे आई हूँ कि मैं आपको दिखा सकूँ कितने सारे लोग हैं। अभी अब इनको गोश्त देंगे। और वैसे भी ये कुर्बानी का मतलब यही है कि आप उन लोगों को दें जिनका हक बनता है, जो गरीब है। हम लोग तो खाते रहते हैं और फ्रिजें भरने की तुम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, सब बांट जो बांटोगे वही काम आएगा। भाई आज हमारे घर बनी है गाय के बोंग पाए, तो उसका जो है ना नाश्ता अभी चल रहा है नीचे। सो हम भी चलते हैं नाश्ता करते हैं। सब लोग आए हैं, पप्पू नानू वगैरह सब लोग आए हैं, उनके साथ बैठ के नाश्ता करेंगे आज। गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह समेटा गया सारा, बस थोड़ा ही रह गया है। और अभी भी कोशिश है कि बाहर जो बंदा आ रहा है वो खाली हाथ ना जाए। तो अभी भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं और मजीद आएंगे। ऊपर बच्चों को पता नहीं क्या हो गया, क्या कर रहे हो तुम लोग भाई। इस वक्त हमारे घर पे बहुत सारे गेस्ट भी आए हुए हैं और अब इतने सारे गेस्ट आए थे इसलिए हमने देगे शेगे पका लिए हैं। नाश्ते में हमने बोंग पाए खिलाए थे। अभी जो है अभी कोई रान शान रोस्ट होने वाली है, सो देखते हैं क्या प्लान होता है। भाई मैंने तो पूरे घर में ये अगरबत्तियाँ जला दी हैं और ये सफाइयाँ चल रही हैं इस वक्त। अभी बाहर जा के हमें पूरी स्ट्रीट साफ करनी है। ईद वाले दिन हम काम वाले बने हुए हैं लेकिन बड़ी ईद तो होती ही काम के लिए। और कुछ देर बाद हम तैयार होंगे फिर हम गोश्त बांटने जाएंगे। गली की सफाइयाँ भी कराना शुरू करती हैं। ये देखें अल्लाह, ये कोई हॉल नहीं औरतों का। Day 2 वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। ये रहा हमारा अजलान बेबी, आज ये अपनी नानों के घर पे आया है ना। और पता नहीं आज इसे क्या हो गया, ये रोए चले जा रहा है। ईद पे तो बच्चे खुश होते हैं, नानो घर आके बच्चे खुश होते हैं, अजलान रो रहा है, क्या बात है। खैर इसकी तबीयत थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही है इसलिए रो रहा है। और हमारे घर पे मेहमानों का आना जाना जो है वो चल रहा है। और ये देखो दो बच्चे ये आ गए, अरीबा और वहाँ पे है मेरमा। सो जी इट्स अ थर्ड डे ऑफ ईद, फाइनली मैं तैयार हो चुकी हूँ एंड अब गोश्त देने दिलाने का जो सिलसिला है वो चलने लगा है। और अभी हम जा रहे हैं फार्म हाउस क्योंकि वहाँ पे हमने वर्कर्स को जो है गोश्त वगैरह देना है। उसके बाद कुछ ज़रा देखना है वहाँ पे कितना काम हुआ है और कितना बाकी है। पिछले पूरे दिनों यहाँ पर फुल रौनक थी बट अभी जो है सारी रौनकें ख़त्म हो चुकी हैं एंड आई मिस दैट डेज। और कैमल्स के छन छन करने की आवाज़
आ रही होती थी, बकरों की बैबा की आवाज़ मुझे सोने नहीं दे रही होती थी, बट मिस कर रहे हैं हम उस चीज़ को। तो जी अभी मैं पहुंच गई हूँ यहाँ फार्म हाउस, और यहाँ पर चेक करते हैं कितना काम हो चुका है और कितना बाकी है। लेकिन यहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मेरा पूरा मेकअप पिघल जाना है अभी। बाकी सब लोग उस साइड पर खड़े हैं और मैं अंदर आ गई हूँ। ये रहा, यहाँ पे तो नॉपिस वगैरह पड़ी हैं जिसकी ये छतें वगैरह बनेंगी, और यहाँ पर स्विमिंग पूल रेडी हो रहा है अभी। और यहाँ की ग्रीनरी मुझे बहुत फ्रेश करती है, इतनी मज़े की लगती है ना कि एक रिफ्रेशमेंट हो जाती है और आंखें ठंडी हो जाती हैं इस ग्रीनरी में आके। और थर्ड डे हमने प्लान नहीं किया था कि हम यहाँ आएंगे, बट क्योंकि यहाँ पे भी वर्कर्स हैं तो उनको गोश्त वगैरह जो देना है इसीलिए हमें यहाँ आना पड़ा। सेकंड डे हमारा बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ होता है क्योंकि सेकंड डे पे हमारे घर पे होती है बहुत बड़ी कुर्बानी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और लोग आ जा रहे होते हैं। कुछ थोड़ा सा मैंने कवर करने की कोशिश की है व्लॉग में, और हमारी कोशिश होती है कि कोई रह ना जाए जो हमारे दरवाज़े पर आए और खाली हाथ जाए। तो उसके बाद कुछ हिस्सा जो रिश्तेदारों का होता है, रिलेटिव्स का, उनको हम थर्ड डे निकलते हैं देने के लिए। बट थर्ड डे हमारी नानों की तरफ जाना होता है हमें, वहाँ पे हमारी दावत होती है जैसे आज हो रही है। इसके बाद हम नानों के घर पे जाएंगे, वहाँ पे हमारी दावत है। हम जा रहे हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर और अदनान भी आया हुआ है हमारे साथ। हाय अदनान। माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी हद तक काम जो है ना यहाँ हो चुका है। कहाँ पे? यहाँ पे प्लास्टर होगा। हाँ यहाँ पे प्लास्टर होगा भाई, और ईंटे शिंटे लगा दिए इन्होंने। अबान भी आया है हमारे साथ। और ये रहा इसका एंट्रेंस वाला पार्ट, और ये सारी ग्रीनरी चेक कर रहे हैं आप, कितनी मज़े की लग रही है। अच्छा वैसे तो सेकंड डे पे हमारे जो कसाई हैं ना वो काफ़ी पुराने हैं और वो लोग ही आते हैं। अच्छा उनसे हमने कैमल करवा दिया, और जो नए वाले कसाई थे ना उन्हीं के साथ आए थे, और उन्होंने बकरा किया, और उन्होंने बकरे की गोश्त की इतनी बुरी हालत की ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। बकरे की गोश्त की इतनी बुरे बुरे टुकड़े बनाए उन्होंने, उसकी कुछ समझ नहीं लग रही थी कि क्या खाएँ, कहाँ से खाएँ, और इसको कैसे पकाएँ, कौन सा हिस्सा है, कुछ समझ नहीं लग रही थी उसकी। और मुझे समझ नहीं आती ये कि भाई जो कसाई हैं उनको करने दो ना, बाकी सब अपने स्टेटस लगा के व्हाट्सएप पे इवन के बता रहे होते हैं कि भाई आज हमारा ये वाला काम क्लोज रहेगा, आज हम अवेलेबल नहीं हैं, क्योंकि आज हम कसाई बन रहे हैं। बड़ी ईद पर यही होता है, हर कोई कसाई बनता है। और इलेक्ट्रिशियन को हमने कॉल की क्योंकि हमारी लाइट का मसला बन गया था। वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन क्या बोल रहे हैं, नहीं भाजी आज नहीं असी आ सकते क्योंकि मैं कसाई बना हुआ हूँ, लिटरली उसने यही बात की। तो इलेक्ट्रिशियन ने हमारे साथ ये किया, हम काफ़ी देर लाइट की वजह से जलील हुए। खैर वो वाला मसला तो सॉर्ट आउट हो गया। और दूसरी बात ये जो सबसे ज़्यादा बुरी लगती है, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लाहौर साफ़ सुथरा ही है, बट हम ये ज़रा आउट ऑफ सिटी वाली साइड पर आए हैं तो रास्ते में कई जगह पर मैंने देखा है बकरों की अलाइशेज पड़ी हुई हैं, ओजड़ियाँ पड़ी हुई हैं, और इतनी बुरी स्मेल आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। गाड़ी बंद थी लेकिन फिर भी स्मेल आ रही थी। As compared to other cities of Pakistan, तो लाहौर जो है लाहौर साफ़ सुथरा है हमारा बाकी शहरों की नस्बत। और बस ये है कि थोड़ा ज़रा आप शहर से बाहर जाते हैं तो आपको इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। लास्ट हमारा जो टूर था, हमारा कश्मीर का टूर था, तो रास्ते में इतनी बुरी बुरी स्मेल्स आ रही थी। थोड़ा थोड़ा बड़ी ईद के बाद जब बाहर निकलते हैं तो फिर ये वाले इश्यूज़ होते हैं। खैर इस चीज़ पर अभी और काम करने की ज़रूरत है पाकिस्तान की हुकूमत को, वैसे तो बहुत सारी चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है बट इस चीज़ पर स्पेशली काम करना चाहिए उनको। और ये जो कसाई है ना ये अपने पैसे कमाने के चक्करों में ना हम जैसे लोगों के गोश्त का बेड़ा गर्क कर देते हैं, और वो जो गरीबों में बटना होता है ना वो कहते हैं आप क्या दे रहे हैं हमें, क्या दे रहे हैं, ये वाले बड़े मसले आते हैं। तो ये इन कसाइयों को बाज़ आ जाना चाहिए। अच्छा यहाँ आके ना मैं थोड़ी फ्रेश हो गई क्योंकि यहाँ पर इस तरह की कोई स्मेल नहीं है और परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं, फील कर सकते हैं आप, इतनी खूबसूरत लगती है ना मुझे ये आवाज़ें, परिंदे खुश हो रहे होते हैं।
और इस चीज़ को ना एंजॉय करना चाहिए। इनकी किचन में क्या क्या बन रहा है मैं ये देखने आई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। बीफ कबाब बन रहे हैं यहाँ पे, इनकी लुक तो अच्छी लग रही है। और क्या क्या बनाया आपने? मैं आपके सारे जो है ना बर्तन खोल खोल के देख रही हूँ। ये टिक्के हैं, ये टिक्के हैं, और ये किसके हैं आंटी? बीफ के हैं, वो मटन है। ये रहा भाई मटन, बड़ी मजे की खुशबू आ रही है। ये है दाल चावल, ये है दाल चावल, थैंक गॉड दाल चावल मिल गए। तो जी मेन्यू में तो है काफ़ी सारी चीज़ें, सो अभी चलते हैं रस्ता खान पे और खाना खाते हैं चल के, बिकॉज आई एम सो मच हंग्री। ये देखो भैया आज फिर आ गया अजमान, इसको मोबाइल इतना पसंद है, इतना ज्यादा पसंद है कि ये यूं ही देखता रहता है। यहाँ पे हो रहा है बारबेक्यू, अब इतना सारा खाना खिलाने के बाद इन्होंने किया हुआ है बारबेक्यू, लेकिन सारे मर्द हजरात वहाँ पर बैठे हैं, मैं बाहर नहीं जा सकती, इसलिए मैंने बच्चों से वीडियो बनवाई है। और अभी मैंने मंगवाई है एक सीख, मैंने कहा दे दो भाई बारबेक्यू, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और मैं बारबेक्यू कहीं भी हो रहा हो तो मैं तो मांग के भी खा लूँगी। ये ऐसे ही आ गया, बट दिस मीट इज़ सो मच टेंडर एंड जूसी। यहाँ पर हम कर रहे हैं व्लॉग का एंड, क्योंकि मेरे और कजन्स पागल हो चुके हैं और मैं ये सीखे आ गई बर्थडे के खाते हैं। आई होप